नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से बड़ी खबर आ रही है। महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में नहीं हुई कार्रवाई तो महिला ने लगाया दरोगा पर आरोप। जहां सरकार एक तरफ महिला संरक्षण और महिलाओं के हित का कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए नियम कानून लागू कर रही है, वहीं आए दिन दोनों की दबंगई सामने दिख रही है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, मारपीट, छेड़खानी जैसे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा एक ताज़ा मामला सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना अंतर्गत दियारा गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर दो पक्षों के बीच खड़ंजा लगवाने को लेकर विवाद हो रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले सन्नी झगड़ा स्थल पर पहुंच गए और सभी की तरह तभी सन्नी की मां सुशीला देवी सन्नी को पूरे घर आने के लिए बोली और जबरन घर लाकर चली आई। तभी विपक्षीगढ़ अरविंद, विपिन, रामप्रसाद, प्रदीप ने अन्य 6-7 लोगों के साथ सनी व सनी की माता सुशीला देवी पर घर में घुसकर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस होकर सुशीला के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट कर चोटिल कर दिया। इससे सुशीला देवी को गंभीर चोटें आई। सुशीला देवी का हाथ टूट गया। घटना की आप बीती जब सुशीला देवी थाने पर बताई तो थाने में तैनात कृष्णचंद यादव दरोगा दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था में चालान करते हुए शांति बनाए रखने को कहा। सुशीला को न्याय ना मिलने से प्रार्थनी सुशीला देवी पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से न्याय की गुहार लगाई, जिसके पश्चात घटना के 3 दिन बाद सुशीला देवी का प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई। लेकिन वहीं सुशीला देवी का आरोप है कि कृष्णचंद यादव दरोगा की मिली भगत से न तो घटना की सही रिपोर्ट लिखी गई और वहीं विपक्षियों की तरफ से सुशीला देवी के ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, जिसे सुशीला देवी उनके परिजन दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं घटना की जानकारी मोतीगरपुर थाने में तैनात हल्का दरोगा कृष्णचंद यादव से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना प्रचलित है, न्यायपूर्ण उचित कार्यवाही की जाएगी। आइए देखते हैं सुल्तानपुर से खास रिपोर्ट। सुशीला कहाँ घर पड़ेगा? क्या मामला है आपका? मामला प्रदीप और वो कमलेश से लड़ाई हो रही थी। मतलब वहाँ उनका आपस का पीछे जगह था। हाँ, मेरा लड़का वहाँ देखने गया था। क्या नाम है आपके लड़के का? सनी। अच्छा, झगड़ा देखने गया। हाँ, क्या हुआ? मैं वहाँ गई, झगड़ा हो रहा था तो इसको लेकर घर चली आई। अच्छा। फिर इसको घर में बंद कर दी। फिर क्या हुआ? फिर उन लोग गाली देते हुए हमारे घर पे आए। नाम है विपिन। कौन कौन आया, कितने लोग आए थे? विपिन और मुकुल, गोविंद, सचिन और वो। कुल कितने लोग रहे होंगे? पप्पू। कुल कितने लोग रहे होंगे? अरे 6-7 लोग। बाप का नाम है राम प्रसाद। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर हम अपने लड़के को अंदर कमरे में बंद कर दी। उसके बाद धक्का मार के उन लोग आए अंदर, हल्के हमको खूब लाभ मौका राड से खूब मारे। हमको मारते मारते फिर हमारा ब्लाउज फाड़ दिए, अब गलत तरह से व्यवहार किए। फिर उसके बाद यहाँ मैं फोन की थाने पे तो केसी या तो गए थे। आपके हाथ, आपका हाथ है टूटा है? कैसे टूटा है? वो राड से मारे थे। हाँ, मेरा उसके बाद आप थाने गई? थाने गई थी मैं। क्या हुआ? फिर वहाँ केसी यादव हम दोनों पार्टी को बैठाए थे थाने पे। 11 बजे गई थी, बस शाम को 5 बजे तक बैठी थी। फिर क्या हुआ? फिर 151 का चालान कर दिए दोनों पार्टी का। आपका भी चालान किया? हाँ, मेरा भी, मेरा लड़का भी चालान कर दिए थे। और मेरा ना डॉक्टरी हुई ना मेरा कोई FIR लिखा गया। आपका दवा भी नहीं कराया? दवा भी नहीं कराए मेरा। और उसके बाद मैं फिर SP साहब के पास गई। विपक्षी के ऊपर कोई FIR नहीं किए? कोई नहीं किए। गिरफ्तार नहीं किए थे? उनको गिरफ्तार भी नहीं किए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमें उच्च अधिकारी के पास गई थी? हाँ, SP साहब के पास गई थी तो वहाँ देखे, फिर हमसे पूछने लगे, फिर यहाँ फोन किए। तो फिर मैं आई तो यहाँ फिर डॉक्टरी मेडिकल मोतीगरपुर अस्पताल में डॉक्टरी हुआ। फिर 2 अक्टूबर को नहीं ले गए, 3 अक्टूबर को हमको ले गए, दिन शनिवार को वहाँ मेरा मेडिकल हुआ। अभी तक मेरा रिपोर्ट नहीं आया है। विपक्षी को कोई कार्रवाई नहीं की गई। गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। वो हमेशा धमकी दे रहा है कि जान से मार डालेंगे, गाली देता है।
कहता है कि दरोगा क्या कहते हैं? दरोगा कहते हैं अभी हमको टाइम मिलेगा तो हम जाएंगे। कार्रवाई नहीं कर रहे अभी, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं है, वैसे घूम रहे हैं बच्ची।